हेलो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। और यदि आपको हमारे वीडियोस में कोई कमी नज़र आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। दुनिया के कई आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान नई चीज़ें मिलती आई हैं। ये चीज़ें सदियों पहले किसी न किसी वजह से ज़मीन से काफ़ी नीचे छुपा दी गई या फिर दब गई। यूएस के विस्कॉन्सिन में आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान मिले एक घड़े से भी ऐसा ही कुछ मिला, लेकिन ये चीज़ें कीमती नहीं, बेशकीमती थी। सन 2008 में विस्कॉन्सिन में आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान एक मिट्टी का घड़ा मिला था। हाँ दोस्तों, सभी उस घड़े को देखकर अचरज में पड़ गए। दोस्तों, मिट्टी से बना यह घड़ा 800 साल पुराना था। जब उन्होंने घड़े को खोलकर देखा तो उसके अंदर से जो निकला उसने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, दरअसल घड़े के अंदर कुछ बीज रखे हुए थे। इनमें से कुछ बीज सूख चुके थे, लेकिन कुछ बीज 800 साल बाद भी जिंदा थे। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने उन बीजों को जमीन के अंदर बोने का फैसला किया। उनसे जो पौधे निकले वो विलुप्त हो चुके स्क्वाश की प्रजाति के निकले। दरअसल इन बीजों से स्क्वाश, जो कि एक तरह का कद्दू होता है, के पौधे निकले। दोस्तों, ये स्क्वाश आम पौधों से बड़े थे और इनमें लगने वाले फल का साइज भी नॉर्मल स्क्वाश से बड़ा था। आर्कियोलॉजिस्ट के साथ साइंटिस्ट भी हैरान है कि कैसे एक घड़े के अंदर 800 साल बंद रहे बीजों ने गायब हो चुके फल को फिर से जिंदा कर दिया। इस घड़े से मिले बीज की वजह से एक बार फिर से लोग इस फल को खा सकेंगे। अब ये स्क्वैश काफ़ी जगहों पर मिलने लगा है।